দু সাল থেকে উঠতে থাকে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ শুরু হয় তদন্ত দু হাজার সালে সাহারার মালিক সুব্রত রায়ের ঠায় হয় তিহার জেলে এদিকে ততদিনে আটকে গিয়েছে সাহারায় বিনিয়োগকারীদের কোটি কোটি টাকা এবার সেই টাকাই ফেরানোর উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার লঞ্চ হয়ে গেল রিফান্ড পোর্টাল লঞ্চ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে এবার টাকা ফেরত পেতে চলেছেন প্রায় দশ কোটি বিনিয়োগকারী এই পোর্টালের মাধ্যমে সাহারা ইন্ডিয়ার চারটি কো অপারেটিভ সোসাইটির লগ্নিকাঠিরা তাদের টাকা ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারবেন এদিন এই পোর্টালের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈধ নথি সমেত আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে বিনিয়োগকারীরা তাদের টাকা ফেরত পাবেন বলে জানা যাচ্ছে আনন্দ হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট মে ইচিকা দায়ের কি সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক ফেসলা লিয়া কি সভি এজেন্সিয়া জব সহমত হ্যাঁ तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत पांच हजार करोड़ रुपये से कर रहे हैं हम ये पांच हजार करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी पांच हजार करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग एक करोड़ निवेशकों को क्योंकि हमने तय किया है कि पहले दस हजार रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे जिनका दस हजार तक का निवेश है वो और जितना भी निवेश हो उसमें से दस हजार रुपया ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसायटियों के और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है मैंने उनको चाय पर बुलाया था मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौड़नी भी नहीं होने वाली है मगर ये सेवा का काम है आप तत्परता से करिए मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है और रेड्डी साहब ने भी तीन से चार बार मीटिंग कर इसको गति दी है मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है यदि के विनियो करा और फेरुत पेते আগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল সমবায় মন্ত্রক সেই আবেদনের ভিত্তিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগকারীদের ফেরতের নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত তারপর থেকে রিফান্ড পোর্টালের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল অবশেষে সেন্ট্রাল রেজিস্টার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি সাহারের রিফান্ড পোর্টালের হাত ধরে শুরু হয়ে গেল টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া আর